हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे। और इस समय सावन का महीना चल रहा है और बढ़िया आनंद लेते होंगे। पहले तो ये देख लीजिए, मैंने बढ़िया सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनी हूँ। अच्छी लग रही कि नहीं अच्छी लग रही? तो गर्मी में सोमवार को हरी साड़ी भी पहन लेती हूँ, पूजा वूजा भी कर लेती हूँ। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा शंकर जी के अपने कैसे मतलब उनको सजा के रखी हूँ, अच्छी लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं आप लोग, चलो थोड़ा तो दिखा देती हूँ। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे यहाँ शंकर जी जो बैठे। तो ये देख लीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। हम यहाँ पास उनकी स्थापना करी हुई हूँ और ये सावन के महीने मेरे यहीं पास रहेंगे वो। उनकी हरे देखिए, हरी ऊपर से हरा हरा ये छत्र। और सब लोग अभी मैंने पूजा पाठ सब करके फुर्सत हो गई और अब जा रही हूँ, मतलब खाना पीना बनाई। और बच्ची मेरी स्कूल चली गई, एक गई है आज एक नहीं गई है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से वो नहीं गई है। तो कंटिन्यू आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आप लोग को मैंने बताया थी कि नेक्स्ट मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन का। तो इस समय चलिए मैं अपना छोटा सा जो गार्डन है तो किस तरह मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ, इसलिए कि काफ़ी नुकसान भी हुआ है। चलिए कंटिन्यू ऐसे बने रहिए। तो देखिए, तो इस समय मौसम मौसम बढ़िया चल रहा है और अभी हम रील्स बनाने वाले हैं और रील्स की तैयारी के लिए इतना सा टचा वचा करके बैठी हूँ। तो पहले तो आप लोग अमरूद देख लीजिए, अमरूद इतना ज़्यादा इस समय फरे हुए हैं कि क्या बताएं। कंटिन्यू बहुत ही अमरूद का पेड़ है और बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इसमें खूब सारे फल लगे हैं अमरूद के। इसमें मेरी अमरूद जो है ना, तो बहुत ज़्यादा फरी हुई है। तो आप लोग को जिसको भी खाना हो तो आइए, आप लोग का वेलकम है हमारे घर में। तो अमरूद बहुत ज़्यादा है और खाने वाले कोई नहीं है, तो इसे जो कोई आता है तो वही थोड़ा बहुत लेके गया ना। तो आज थोड़ा सा मौसम भी ठीक दिख रहा है, देखिए मौसम भी ठीक है, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जैसे कि रोज़ दोपहर में बारिश होती है और इसमें थोड़ा सोटो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो भी होता है तो घर के अंदर ही होता है। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा अपना गमला दिखाती हूँ कि इसमें कितने किस तरह है। तो ये देख लीजिए, एक नया शो पीस प्लांट है, अब इतना बड़ा हो गया है और साथ में इसका साथ ये बन गया है सदाबहार। तो ये प्लांट कैसा लगा आप लोग को? और इधर साइड में देख लीजिए, मैंने काफ़ी पेड़ लगाई हुई हैं, कुछ पेड़ ख़राब हो गए, यहाँ पास मैंने लगाई थी बहुत अच्छा पेड़ लेके आई थी और ये पेड़ अब थोड़ा थोड़ा दे रहा है पत्ती, इसलिए कि बहुत बड़े फूल होते हैं और उस फिलहाल अभी पता नहीं क्या कारण से सड़ गया। और इधर देख लीजिए आप लोग, एक पौधा तैयार हो गया, वाइट कलर का फूल फूलता है, शानदार है ना। और ये देखिए, ये है गुलाब, ये जो गुलाब है तो इसका ऑरेंज कलर का गुलाब है। और यहाँ पास देख लीजिए, ये रेड कलर का, ये येलो कलर का फूल दे रहा है। काफ़ी फूल मैंने तैयार करके लगा दी हूँ। और यहाँ पास मैंने गिलकी की पेड़ लगाया है, एक गेंदा का पेड़ भी। और यहाँ पास मैंने इसमें लौकी का पौधा और इधर जो है तो गिलकी का। अब देखते हैं ये तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, पता नहीं, लगाई तो हूँ है ना, और देखती हूँ कैसा होता है। और इधर भी छोटे छोटे गार्डन तैयार करी हूँ, ये भी लाल कलर का फूल है गुलाब का और शानदार फूलता भी है। ये बहुत अच्छा फूल है जो मैंने लगाया है और ये काफ़ी इतने बड़े बड़े काफ़ी होते हैं, जीनिया जैसे पेड़ होते हैं इसके हैं, तो काफ़ी फूल है। और यहाँ पास देखिए, येलो कलर का मेरा गुलाब कितना सुंदर खिला हुआ है। और यहाँ इस गमला खाली है इसलिए कि इसका पौधा चोरी हो चुका है और पता नहीं कौन चुरा ले किया। काफ़ी पौधे मेरे यहाँ के चोरी हो जाते हैं, जब भी मैं ख़रीद के कुछ पौधे लगाती हूँ तभी कुछ न कुछ। ये मनी प्लांट कितना सुंदर देखिए हो गया है और ये वाइट कलर का मैंने गमले में ही लगाया है। और ये देख लीजिए, यहाँ पास एक लिली पेड़, और लिली पेड़ ये ठंडी में फूलता है और लाल कलर का काफ़ी अच्छे
फूल देता है। यहाँ पास चमेली का पेड़ भी है हमारे यहाँ, और इधर भी गुलाब है, और यहाँ पास ये सीताफल का पेड़ है, और ये सदाबहार, और यहाँ पास विद्या का पेड़ मैंने गमले में लगाए हैं। और ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पास भी फूल काफ़ी है, और ये पपीता फल नहीं देता है। और यहाँ पास भी है गुड़हल, क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल का पेड़ है, और काफ़ी मतलब फूल देने लगा है धीरे धीरे। ये नींबू, तो अभी आप लोगों को मैंने अपना गार्डन दिखाई, और आप देख लीजिए आज हमारी बिटिया रानी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज स्कूल नहीं गई, घर ही में है, तो अभी मैंने गार्डन दिखाया है जिसके काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत लगाए हैं जो भी, और काफ़ी मेरे पेड़ यहाँ जो थे तो चोरी हो गए हैं, तो इसीलिए हम क्या बताएं, मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कितना शानदार गार्डन तैयार करती हूँ, अपना इतने सारे फूल लेके आती हूँ, लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ कौन चुरा के लेके जाता कि उसको ऐसे फूल भी फूलेंगे तो उसको आधे से तोड़ देंगे, तोड़ के फेंक देंगे लोग। अमरूद, अमरूद तो सोच लीजिए कि दोपहर में इतने चोरी होते हैं कि क्या बताएं, पता नहीं कैसे लोग हैं। ये नहीं कि खाना हो तो आ जाएं, मांग लें, मैं दे दूंगी, लेकिन नहीं, उसको चोरी करना ही पसंद है, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा थोड़ा सा मेरी बगिया जो भी है, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और नहीं रहा करिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल आप, मेरा रील्स की बारी है, तो जा रही मैं रील्स शूट करने थोड़ा सा, तो कंटिन्यू ब्लॉग देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सावन का आनंद लेते रहिए। ओके, बाय बाय।